हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। करुणा अपनी तीन बेटियों बड़ी बेटी ज्योति, छोटी बेटी पायल, मंझली बेटी कीर्ति के साथ रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन अपनी तीनों बेटियों में से वो अपनी बड़ी बेटी ज्योति को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उसकी सौतेली बेटी थी। साथ ही वो उसकी दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर भी थी, जिसके चलते कोई जब भी उसकी बेटियों को लिए रिश्ता लेकर आता, सबसे पहले उसे ही पसंद कर लिया करता, जिसके चलते वो ज्योति को जल्दी से सबके सामने नहीं आने देती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय ज्योति घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रूपाली हाथों में प्रसाद लेकर वहाँ आती है और उसे काम करते हुए देखकर कहती है, बेटी तेरी सौतेली माँ ने तुझे सुबह से ही काम पर लगा दिया है, और तेरी बाकी बहनें कहाँ हैं? पक्का वो आराम से अपने कमरे में सो रही होंगी। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि वो रात भर पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैंने ही उन्हें नहीं जगाया। सोचा थोड़ा सो लेंगी तो आराम मिल जाएगा, वैसे भी तो मुझसे छोटी ही है ना। बेटी तू कब अपनी आँखों से प्यार की पट्टी खोलेगी? वो तेरी सौतेली माँ है, तू उसके लिए जान भी निकाल देगी ना तो भी वो तुझे प्यार नहीं करने वाली। उसने तुझे पाला है इसलिए है, ताकि तुझसे काम करवा सके। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। माँ तो माँ होती है, कम से कम माँ पापा के जाने के बाद किसी बड़े का हाथ तो है ना मेरे सिर पर, वही बहुत है। बेटी मैं तुझे बचपन से ही देखती आ रही हूँ, तू बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। तुम्हारे पिता ने ये सोचकर दूसरी शादी की कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस न हो, लेकिन शायद माँ का प्यार तेरे नसीब में ही नहीं है, तभी तो तुझे ऐसी सौतेली माँ मिली है। नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है। बेटी वो तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि वो तुझसे कितना प्यार करती है। उसने अपनी बेटियों के आगे तुझे पढ़ने नहीं दिया, हमेशा घर के कामों में लगाए रखा, और अभी भी अपनी लड़कियों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रही है, लेकिन बड़ी होने के बाद भी तेरी शादी की बात नहीं कर रही है। तू मान ना मान, तेरी विधवा माँ को तुझसे कोई लगाव नहीं है। आंटी जब बेवजह ही परेशान हो रही है। कोई बात नहीं बेटी, मैं तो तुझे ये प्रसाद देने आई थी, लेकिन तुझे ऐसे काम करता हुआ देखकर रहा नहीं गया, इसलिए इतना बोल गई, माफ करना मुझे। रूपाली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी करुणा वहाँ आती है और रूपाली को अपने घर से जाते हुए देखकर ज्योति से कहती है, ये यहाँ क्यों आई थी इतनी सुबह सुबह? जरूर तुझे ही कोई पाठ पढ़ाने आई होगी। नहीं माँ, आंटी तो सिर्फ प्रसाद देने आई थी, वो किसी मंदिर गई थी घूमने के लिए, तो वही प्रसाद मोहल्ले में बांट रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन इनसे थोड़ा दूर रहा कर, वरना ये पाठ पढ़ाकर तुझे भी बिगाड़ देंगी। और सुन, अगर तेरी ये सफाई का काम पूरा हो गया हो तो थोड़ा किचन में भी नजर डाल ले और कुछ बना ले अच्छा सा। आज मेरी पायल और कीर्ति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जी माँ, अभी जाकर बना देती हूँ। और हाँ, तुझे मेरी बात याद है ना कि तुझे उनके सामने ज्यादा तैयार होकर नहीं आना है? जी माँ मुझे याद है, मैं सब कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको परेशानी हो। ज्योति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद एक देवयानी नाम की औरत अपने दोनों लड़कों के साथ करुणा के घर आती है और सभी लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी ज्योति उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ देवयानी कहती है, करुणा जी आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिना किसी मेकअप और अच्छे कपड़ों के भी कितनी प्यारी लग रही है, शायद इसे ही कहते हैं सादगी। इसकी सुंदरता तो मेरी बेटी के लिए श्राप बन गई है, जो भी आता है इसे ही पसंद कर लेता है। आपको गलत फहमी हो रही है, ये वो लड़की नहीं है, लड़की तो अभी तैयार हो रही है, बस ये नौकरानी है इस घर की। वो माफ कीजिए, ये चाय लेकर आई तो मुझे लगा यही लड़की है। कोई बात नहीं, आप बस थोड़ी देर बैठिए। ज्योति तुम जाओ, दोनों को लेकर आओ, देखो वो तैयार हुई कि नहीं। जी मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ज्योति इतना कहकर पायल और कीर्ति को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाती है और उन्हें गुस्से में चुपचाप बिना तैयार हुए बेड पर बैठी देखकर उनसे कहती है, पायल कीर्ति तुम दोनों ऐसे आराम से क्यों बैठी हुई हो? नीचे चलो और देखो अभी तक तुम दोनों तैयार भी नहीं हुई हो। दीदी हम नीचे नहीं जाएंगे। और क्यों जाएं? बड़े आप हो, पहले शादी आपकी होनी चाहिए ना। लेकिन माँ तो आपको हमेशा एक सौतेली बेटी ही समझती है। पायल दीदी सही कह रही है, और वैसे भी मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी ये समय नहीं है ये सब बात करने का, तुम दोनों जल्दी तैयार होकर मेरे साथ चलो नीचे। नहीं, नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? जरा माँ के बारे में सोचो, जिन्होंने विधवा होकर अपनी तीनों बेटियों को अकेले इतना बड़ा किया है। अगर वो उनका घर बसते हुए देखना चाहती है तो क्या बुराई है? दीदी तीन नहीं दो बोलिए,
क्योंकि उन्होंने आज तक आपको बेटी होने का कौन सा हक दे दिया है। बड़े होने के नाते पहले शादी आपकी होनी चाहिए, वो हक भी आज छीन रही हैं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहती हो ना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी फिर से टूट जाए और माँ मुझे फिर सुनाए, तो मत आओ, मैं जा रही हूँ नीचे। नहीं रुकिए दीदी, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कुछ समय बाद पायल और कीर्ति तैयार होकर ज्योति के साथ नीचे जाती हैं और लड़के वालों से मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद देवयानी कहती है, करुणा जी दोनों बेटियों से ज्यादा सुंदर तो आपकी नौकरानी है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी पढ़ी लिखी है, हमारे दोनों लड़कों का आगे साथ दे पाएगी, इसीलिए मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। लेकिन जो भी है मैं साफ साफ बोलती हूँ करुणा जी कि देने लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देवयानी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं देने लेने में कोई कमी नहीं रखूंगी, बस ये शादी ठीक से हो जाए। वैसे भी इस विधवा माँ के पास जो भी है इन बेटियों का ही है। ये हुई ना बात, आप शादी की चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही शादी की डेट निकाल कर आपको फोन करती हूँ। देवयानी इतना कहकर अपने दोनों लड़कों को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और समय के साथ दोनों परिवार वाले मिलकर शादी की डेट फिक्स कर देते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद तय की तारीख पर करुणा अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, तभी एक दिन सुबह के समय करुणा हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी उसकी दोनों बेटियां अपना बैग लेकर घर आती हैं, जिन्हें देखकर वो कहती है, क्या बात है बेटियों, आज तुम लोग बहुत सारा सामान लेकर आई हो, लगता है अपनी माँ के पास बहुत दिनों के लिए रहने आई हो। हाँ माँ, क्योंकि अब हमें ससुराल जाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें आप पैसे वाला और अच्छा समझकर आपने हमारी शादी करवाई थी वो लोग एक नंबर के लालची और फ्रॉड निकले। शादी के कुछ दिन बाद ही वो लोग हमारे सारे पैसे लेके और गहने लेकर भाग गए, उनके पास कुछ नहीं है। दीदी सही कह रही हैं, माँ हमारी जिंदगी तो खराब ही हो गई है, अभी तक तो लोग हमें विधवा माँ की तीन बेटियाँ कहते थे, अब हमें ससुराल से भागी हुई बहुएं कहेंगे। ये सब क्या हो गया, मैंने क्या सोचकर कितनी मुश्किल से कितने झूठ बोलकर तुम लोगों की शादी करवाई कि तुम लोग खुश रहो, लेकिन सब बर्बाद हो गया। माँ दूसरों की औलाद को दुख देकर आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि आपकी औलाद खुश रहेगी? हमारी शादी करवाने के लिए आपने ज्योति दीदी को नौकरानी तक बना दिया और बड़े होने के बाद भी आज तक उनकी शादी नहीं करी, उनके लिए आपके पास पैसे नहीं है, आज तक उनको नौकरानी ही बनाकर रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सौतेली बेटी है, बल्कि सबसे ज्यादा इज्जत वही करती है आपकी माँ। लेकिन आपने माँ होने का कौन सा फर्ज निभाया है? शायद तू सही कह रही है बेटी, मैंने उस मासूम के साथ बहुत नाइंसाफी करी है, शायद इसलिए मेरी खुद के बच्चियों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है। करुणा इतना कहकर ज्योति के पास जाती है और अपने किए गए गलत स्वभाव के लिए उससे माफ़ी मांगती है और दोबारा फिर कभी अपनी तीनों बेटियों में भेदभाव न करने का वादा भी करती है, जिसके बाद वो ज्योति को दिल से अपना लेती है और कुछ समय के अंदर ही ज्योति के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करके अपने माँ होने का फर्ज निभाती है। सोनिशा तुम भले ही ससुराल में मेरी जेठानी हो, लेकिन भूलो मत कि हो तो तुम मेरी जुड़वा बहन ही। जुड़वा हूँ, जुड़ी हुई नहीं हो तुमसे, जो तुम्हारी सारी बातों को मानूं, जो कहती हूँ वो करो, अगर नहीं समझी तो इस घर से तुम्हें बाहर निकलवाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। दोनों बहनें बुरा सा मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उनकी सास अलबेली उन दोनों को आवाज देती है, सोनिशा बहू, मोनिशा बहू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे अभी तक नाश्ता नहीं लगा टेबल पर। अपनी सास की आवाज सुनकर मोनिशा और सोनिशा दोनों ही अलबेली के पास आकर कहती है, माँ जी मैं तो कपड़े धो रही थी, पर आज तो मंडे है, आज तो खाना बनाने की बारी मेरी जेठानी यानी कि सोनिशा की थी। वो माँ जी मुझे लगा आज ट्यूसडे है तो मैं आराम से कमरे में बैठी थी, सॉरी माँ जी। माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि सोनिशा को काम करने से कितना प्यार है और ना काम करने से कितनी नफरत है, इसलिए मैंने पहले ही नाश्ता बना दिया था, आप बैठो मैं परोसती। क्यों री सोनिशा बहू, तेरी ही बहन है ना ये मोनिशा बहू, कुछ ढंग का सीख ले अपनी बहन से, देवरानी है तेरी पर समझदार तुझसे कहीं ज्यादा है। जी माँ जी आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और सोनिशा मन ही मन बोलती है, इस मोनिशा को तो सबक सिखाना ही होगा,
जब देखो माजी के सामने अच्छी बहू होने के ड्रामे करती रहती है। सोनिशा, जो कहना है मुंह पर कहो ना, अंदर ही अंदर क्यों कलप रही हो? तुमसे मतलब, नाश्ता करो चुपचाप। सोनिशा, ये क्या तमीज है बात करने की? तुम बड़ी बहू हो, यही संस्कार है तुम्हारे। और मोनिशा ने क्या गलत कहा, हम दोनों कब से देख रहे हैं, नाश्ता तो तुम कर नहीं रही, बस दांत पीसे जा रही हो। माजी छोड़ो, खाना खाओ आप। अपनी सास और देवरानी को खुद पर हंसता हुआ देखकर सोनिशा के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। जैसे ही दोनों अपने अपने कमरे से निकलकर सज धज कर बाहर आती हैं, तो एक दूजे को देखकर गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि दोनों ने ही एक जैसे कपड़े और गहने पहने थे, साथ ही एक जैसा हेयर स्टाइल भी बनाया था। तभी सोनिशा बोलती है, तुझे सब कुछ मेरे जैसा करना जरूरी था क्या? ओ हेलो कॉपीकैट, सच बता, तूने मुझे कॉपी किया है ना, वो भी जानबूझकर। तुम अपनी ये बकवास ना अपने पास रखो, समझ गई? और जाओ जाकर कपड़े बदलो, गहने भी और हेयर स्टाइल भी। मेरे माथे पर कुछ लिखा दिखता है क्या जो मैं सब कुछ बदल कर आऊँ? अरे पहले ही इतनी मुश्किल से तैयार हुई हूँ, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, तो तुम खुद ही बदल लो, मैं नहीं बदलने वाली। मैं तेरी जेठानी हूँ, समझ गई, जो कह रही हूँ वो कर ले, छोटी है छोटी बनकर रह। मैं तो नहीं बदलूंगी, जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं तो यही पहन कर जाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहस कर रही होती है, तभी वहाँ अलबेली आती है और दोनों को देखकर बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ, क्यों बहस हो रही है तुम दोनों में? माजी मैं नहीं, यही मोनिशा बहस कर रही है मुझसे। माजी मरे हुए कुत्ते की कसम, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा इसे कुछ, ये सोनिशा ही तब से मुझ पर अपने जेठानी होने का रोब जमा रही है। देखो ना माजी, भले ही हम देवरानी जेठानी ठहरे, लेकिन है तो हम दोनों जुड़वा बहने ही ना, और आज हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर, एक जैसे गहने पहनकर, एक जैसे बाल बनाकर, एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई है? लेकिन इसे तो हर चीज में दिक्कत हो रही है, तब से मुझसे इसी बात पे बहसे जा रही है। सोनिशा, ये क्या बचकानी हरकतें कर रही हो तुम? अरे तो क्या हो गया अगर तुम दोनों एक जैसे दिख रही हो? अरे बढ़िया लग रही हो, और अब दोनों में से कोई भी कपड़े नहीं बदलेगा, ऐसे ही चलो मेरे साथ। एक तो तुम दोनों के चक्कर में पहले ही इतना लेट हो गए हैं, अब और देर मत करो। हाँ जी माँ जी, मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ सोनिशा उफ मेरी जेठानी को, पर ये मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ हाँ, एक दो और इल्जाम लगा ले मुझ पर, जब कलेजा ठंडा हो जाए तो बता देना। तुम दोनों फिर से शुरू हो गई, चुपचाप चलो, समझ गई? और हाँ, पार्टी में मुझे किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है माजी। इतना कहकर दोनों अलबेली के साथ पार्टी में जाती हैं, और थोड़े टाइम बाद सभी लोग घर वापस आ जाते हैं। वक्त गुजरता है, दोनों देवरानी जेठानी की बहस बढ़ती जाती है, जिस बात से अलबेली बहुत परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन मोनिशा ढेर सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा कर आती है और थक हार कर अपने कमरे में आराम करने लगती है। उसे आराम करता देखकर सोनिशा छत पर जाती है और जिस तार पर कपड़े सूख रहे थे उसको कैंची की मदद से काट देती है। तार कट जाने की वजह से सारे कपड़े जमीन पर गिरकर वापस से धूल मिट्टी से गंदे हो गए थे, और सोनिशा खुद से बोलती है, अब आएगा ना मजा, बड़ा माजी के सामने अच्छी बहू बनती फिरती है मेरी बहन, मेरी प्यारी देवरानी, बेचारी की सारी मेहनत कैसे जमीन पर पड़ी हुई धूल चाट रही है। अब मजा आएगा जब माजी उसे जी भर के सुनाएगी। इतना कहकर सोनिशा दबे पांव छत से नीचे आ जाती है और शाम ढलती है। सोनिशा सभी के लिए चाय पकौड़े बनाती है, सभी एक साथ बैठकर चाय पकोड़े का मजा लेते हैं। तभी अलबेली बोलती है, मोनिशा तूने सारे कपड़े ठीक से तो धो दिए थे ना, कल मुझे हरिद्वार जाना है अपनी सहेलियों के साथ। जी माँ जी, सब कर दिया है, अभी छत पर से उतार कर ले आऊंगी सारे कपड़े, फिर प्रेस कर दूंगी। बढ़िया बात है, ये काम तो हो गया। सुनिशा बहू, तू कल जल्दी उठकर सफर में जाने के लिए खाना बना दियो, ठीक है?
जी माँ जी, जैसा आप कहो समय पर सब कर दूंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ, आप बता देना कौन से ले जाने हैं कौन से नहीं। इतना कहकर जैसे ही मोनिशा छत पर कपड़े लेने के लिए जाती है, तभी कपड़ों को जमीन पर गिरकर गंदा हुआ देखकर उसका खून खौल जाता है और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये सब उसकी जेठानी यानी कि उसकी खुद की जुड़वा बहन सोनिशा का कारनामा है। हाथों में गंदे कपड़े लिए गुस्से में लाल पीली होती हुई मोनिशा छत से नीचे आती है और तभी अलबेली बोलती है, अरे मोनिशा बहू, ये सब क्या है? तूने कपड़े धोए हैं या फिर गंदे किए हैं? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी सारी साड़ियाँ खराब कर दी तूने, बैल बुद्धि कहीं की। माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया। तूने नहीं किया तो क्या भूत ने किया है तेरे? सत्यानाश कर दिया, दफा हो जा यहाँ से। और जब तक ये सारे कपड़े अच्छे से साफ नहीं हो जाते, इनको रगड़ रगड़ के धो, वो भी अपने हाथों से। अलबेली की बात सुनकर मोनिशा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है और दोबारा कपड़े धोना शुरू कर देती है। मोनिशा अपने हाथों से कपड़ों को काफी रगड़ती है लेकिन कपड़े साफ नहीं होते। बेचारी मोनिशा सारी रात ठंडे पानी में कपड़ों को धोती है और आखिरकार वो साफ हो जाते हैं। पर सुबह होने तक मोनिशा की हालत तंग हो चुकी थी और उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन वो किसी को भी सोनिशा के बारे में कुछ नहीं कहती। अपनी बहन की बिगड़ती हालत को देखकर सोनिशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अलबेली को सारा सच बताकर उससे माफी मांगती है और साथ ही मोनिशा से बोलती है, मुझे माफ कर दे मोनिशा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर सच में तू बहुत भली है, तूने माँ जी को कुछ भी नहीं कहा, मुझे माफ कर दो देवरानी जी। कोई बात नहीं जेठानी जी, माफ किया आपको, आप भी क्या याद करोगी, बहुत बड़ा दिल है मेरा। मोनिशा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक आशीष नाम का लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा होता है और उस लड़की से बात करने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है और एक जगह पर बैठकर सोचते हुए बोलता है, अदिति सही थी, मैं गलत था, क्यों मैंने उस दिन वो ऐड देखा। व्हाइट ब्यूटी से मिलेगी अब और सुंदरता, होगा HD धमाका, क्योंकि अपने खार से बढ़कर मिलेगी HD ब्यूटी, फेस होगा ग्लो एंड व्हाइट। यामिनी एक ब्रांड फेस थी जो कि व्हाइट ब्यूटी क्रीम के ब्रांड को सपोर्ट किया करती थी। हालांकि वो खुद सांवली थी पर जब वो टीवी पर आती थी तो काफी ज्यादा गोरी और सुंदर दिखा करती थी, जिसके चलते लोग उसके बहुत फैन थे और उसकी तरह ही सुंदर दिखने के लिए क्रीम का इस्तेमाल बहुत किया करते थे। साथ ही मार्केट में व्हाइट ब्यूटी क्रीम की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। यामिनी के फैंस में से उसका एक फैन आशीष भी था जो कि यामिनी और व्हाइट ब्यूटी क्रीम का इतना बड़ा फैन था कि वो लड़का होने के बावजूद भी उस क्रीम को इस्तेमाल करता था और वो हर किसी को वही क्रीम लगाने की सलाह भी देता था। एक दिन वो अपनी मंगेतर अदिति, जिसका रंग सांवला होता है, उससे मिलता है और उसके हाथों में वही व्हाइट ब्यूटी क्रीम देते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए। फिर से ये व्हाइट ब्यूटी क्रीम, अरे मैं इसका क्या करूँगी यार, तुम्हें पता है ना कि मैं इन क्रीम वगैरह से गोरी होना नहीं चाहती और मैं ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करती। पता है मुझे, पर मेरे लिए लगा लो प्लीज, पता है इससे लगाकर कुछ ही दिनों में तुम गोरी हो जाओगी, मुझसे भी ज्यादा, फिर हमारी जोड़ी लगेगी लाखों में एक। यार तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या गोरा काला लगा रखा है तुमने? अरे तुम्हें मुझसे प्यार है या फिर मेरे रंग से प्यार है, एक बात बता दो मुझे, तुम्हें मेरी डार्क स्किन पसंद है या नहीं? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? अगर तुम्हारे दिल में कोई भी भेदभाव है ना, तो चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अदिति को आशीष की बातें बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। आशीष को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अदिति को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अदिति नहीं मानती और लास्ट में वो उसको फोन मिलाकर मिलने के लिए बुलाता है। आशीष की बार बार जिद करने पर अदिति उससे मिलने आखिर आ ही जाती है, जहां आशीष उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम लाता है और आइसक्रीम देते हुए उससे कहता है, सॉरी मैंने जो लास्ट में बोला उसके लिए।
सॉरी क्यों बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब मैं ही अगर डार्क स्किन वाली हूँ तो, और हम दोनों मैच नहीं करते, पर एक बात कहूँ, इंसान को प्यार उसके गुणों से होना चाहिए, ना कि उसके रंग से। यार तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें बताओ गोरा कौन नहीं होना चाहता? अगर वाइट ब्यूटी को लगाने से तुम गोरी हो जाओगी तो इसमें बुरा ही क्या है? तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया था? प्लीज मेले लगा लो इस क्रीम को, बस 2 हफ्ते और फिर रिजल्ट देख लेना। ठीक है, पर तुम ये मत सोचना कि इस क्रीम को लगाने के बाद मैं एकदम चांद की तरह चमकूंगी। अदिति उससे वाइट ब्यूटी क्रीम लेकर लगाना शुरू कर देती है और अब 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं और अदिति के रंग में कोई फर्क नहीं आता। ऐसे ही एक दिन वो फिर से आशीष से मिलती है और कहती है, देख लो मुझे क्या पता, अरे 4 पैकेट खत्म कर चुकी हूँ मैं इसके, लेकिन अभी तक मैं गोरी नहीं हुई। मैं नहीं मानता, तुमने यूज ही नहीं किया होगा। तुम्हें भी ना इस क्रीम पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंसान का रंग नहीं उसके गुण और उसकी पहचान मायने रखती है, पर नहीं। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर क्रीम लगाने से कोई ग्लो करने लगा तो नेचुरल चीजों को यूज कौन करेगा? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। इतना सब बोलकर अदिति वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और आशीष से बात करनी बिल्कुल बंद कर देती है। आशीष बहुत कोशिश करता है उसकी नाराजगी को खत्म करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है कि तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जो कि अदिति की ही तरह डार्क स्किन की होती है और उसके हाथों में वाइट ब्यूटी क्रीम देखकर आशीष उससे बोलता है, सारी लड़कियां इस क्रीम को यूज कर रही हैं गोरा होने के लिए, बस अदिति को छोड़कर। आप भी यूज कर रही है ना इस क्रीम को, कोई रिजल्ट दिखा आपको? नहीं, मैं इस क्रीम को यूज नहीं करती, बट वो लड़की कुछ बोल ही रही होती है कि तभी कोई उसका नाम लेकर उसे आवाज देते हुए बोलता है, यामिनी मैम जल्दी चलिए शूटिंग के लिए लेट हो रहा है। उस लड़की का नाम सुनते ही आशीष को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने ऑफिस ना जाकर यामिनी के पीछे चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो लड़की असलियत में यामिनी थी जो कि वाइट ब्यूटी क्रीम को प्रमोट किया करती थी। उसका रंग देखकर आशीष बिल्कुल दंग रह जाता है और उसके तोते उड़ जाते हैं। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद यामिनी का एक्ट खत्म हो जाता है। यामिनी वहां से निकल ही रही होती है कि तभी आशीष उसे रोक लेता है और उससे बात करते हुए उसे पता चलता है कि टीवी पर दिखने वाली यामिनी असल में मेकअप और कैमरा के इफेक्ट के चलते इतनी ज्यादा खूबसूरत और बेदाग नजर आती है, जबकि वास्तव में वो ऐसी नहीं थी, वो तो एक सावली सी लड़की थी। इतना कहकर यामिनी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन आशीष को कुछ भी समझ नहीं आता कि असल में ये सब क्या चल रहा है। वो सोचते सोचते एक जगह जाकर बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेता है, जिसके बाद वो अदिति को फोन करता है और उससे कहता है, अदिति तुम बिल्कुल सही कहती थी, कोई भी क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता, ये सब छलावा है जनता को लुभाने के लिए। आज मैंने अपनी आंखों से सारा सच देखा है, तब जाकर मुझे समझ आया। आशीष आखिर बात क्या है, तुम मुझे पूरी बात बताओगे? तभी आशीष अदिति को सारा सच बता देता है कि आखिर उसने किस तरह आज यामिनी की वाइट ब्यूटी क्रीम का सच देखा। साथ ही वो उससे बोलता है, अदिति सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुम सही थी, ये सब एक झूठ है, इस क्रीम को लगाने से कोई गोरा नहीं होता। शुक्र है भगवान का, जो तुम्हारी आंखों पर वाइट ब्यूटी की पट्टी बंधी थी ना, आखिरकार वो उतर ही गई और तुम्हें समझ आ गया। अदिति से बात करने के बाद आशीष एक फैसला लेता है और YouTube पर अपना खुद का एक चैनल बनाता है, जिसमें वो लोगों को वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देखना शुरू कर देता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो कितना ज्यादा असर करती है और कितना नहीं। धीरे धीरे उसका ये वीडियो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता है और पब्लिक उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाती है। साथ ही अदिति भी इसमें उसका पूरा साथ देती है। ऐसे ही एक दिन आशीष एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो बोलता है, दोस्तों आप सबको पता ही होगा वाइट ब्यूटी के बारे में, आपने देखा भी होगा किस तरह से ये कंपनी बड़े बड़े दावे करती है और आज इन्हीं दावों की वजह से ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। पर मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि इनके सारे दावे बिल्कुल झूठे हैं। इस क्रीम को लगाने से आप 10-15 या महीने भर में तो क्या
कभी गोरे नहीं होंगे। तो प्लीज इस तरह के किसी भी धोखे से बचिए। अगर आप किसी कंपनी के दावे पर विश्वास करके कोई चीज ले रहे हैं, पहले उसके दावे और उसके प्रोडक्ट को सही तरीके से जांच लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। आशीष के ये वीडियो पब्लिक को बहुत पसंद आती है, जिसके बाद उसका नाम यूट्यूब पर बहुत फेमस हो जाता है। कुछ ही समय के बाद आशीष और अदिति एक दूसरे से बड़े ही धूमधाम से शादी कर लेते हैं और अपने हनीमून के लिए लंदन चले जाते हैं। वहाँ से आने के बाद अदिति को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और 9 महीने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी गोरी चिट्टी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।